हेलो गाइस, क्या आपको पता है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस केकेआर के मैच में जो मैच हुई तब एक यूनिक हादसा हुआ। हादसा यानी कि एक यूनिक सिचुएशन हुई जिसके ऊपर अंपायर ने कोई एक्शन नहीं ली, वो लेनी चाहिए थी। तो क्या है वो न्यूज़, इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको अमेज़ॉन से कुछ लेना है तो डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन के लिंक से वहाँ जाके आप वहाँ से क्लिक करके आप अमेज़ॉन पे जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो। वो जो गलती हुई वो हुई रॉबिन उत्तप्पा जो कि राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर है, लेकिन फिर भी कोलकाता मैच जीत गया है, इसलिए रन्स पे तो उसका कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन वो न्यूज़ ये है कि 3.5 ओवर में जब राजस्थान बॉलिंग कर रही थी और केकेआर बैटिंग कर रही थी, तब रॉबिन उत्तप्पा की तरफ से जो सुनील नारायण का कैच है वो छूट गया। और उसके बाद दोस्तों, कैच छूटने के बाद वो बॉल को सलाइवा लगा रहे थे दोस्तों, जो कि इस साल ICC ने पूरा बैन कर दिया है। ये आउट ऑफ दी रूल है दोस्तों, क्योंकि कोविड के वजह से अभी आप सलाइवा नहीं लगा सकते बॉल को। और अगर ऐसा किया जाता है तो अंपायर को वार्निंग देनी चाहिए थी, या फिर मैच होने के बाद भी इस पे कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। और इसी के साथ दोस्तों, ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो ये पूरा वीडियो। तो आपकी क्या राय है, इस पे अंपायर ने डिसीजन देना चाहिए था या नहीं? क्योंकि अगर ऐसा एक इनिंग में दो बार होता है तो 5 रन अपोनेंट टीम को ज़्यादा दिए जाते हैं बैटिंग साइड में, ये एक्चुअली ऐसा रूल है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों, अगली न्यूज़ है वो है दोस्तों पॉइंट्स टेबल को लेकर। तो अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे कल के मैच के बाद, ये पूरा बदल गया है। दिल्ली कैपिटल इस बार फर्स्ट पोजीशन पे है और आखिर में है चेन्नई सुपर किंग, यानी इस बार पॉइंट्स टेबल है ये पूरा बदल गया है दोस्तों। इस पे क्या है आपकी राय, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो ऐसे अलग अलग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, और अमेज़ॉन के लिंक से डिस्क्रिप्शन में वो ज़रूर चेक करना। तब तक के लिए थैंक यू।